नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं गरिमा भारती। बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर प्रशासन की किरकिरी आम दिनों में तो होती ही रहती है, लेकिन त्योहार के दिनों में भी प्रशासन अपराधियों पर लगाम लगाने पर बिल्कुल ही नाकाम है। ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा, क्योंकि होली के दिन भी बिहार गोलियों से थर्रा गया। होली के दिन भी गोलियों की बौछार हुई और लोगों की मौत हुई है। अपराधियों ने तांडव मचाया और पुलिस जो है वो बाद में पहुंची। आपको पूरी खबर विस्तार से बताते हैं। मधुबनी के बेनीबट्टी थाना के महमदपुर गांव में होली के दिन अबीर गुलाल की जगह गोलियों की बौछार हो गई। होली खून के रंग से लाल हो गई। इस गोलीबारी में 3 लोगों की मौत की सूचना है। 3 की हालत अभी गंभीर बताई जा रही है। हालांकि पुलिस अभी केवल 2 मौतों की ही पुष्टि कर रही है। घटनास्थल से पुलिस ने 8 खोखे, 4 टूटे हुए दांत और 2 बाइक बरामद कर जब्त कर लिए हैं। घटना सोमवार को दोपहर करीब 2 बजे की है। 2 पक्षों के बीच विवाद होली के दिन सोमवार को अचानक से हिंसक रूप में बदल गया। इस दौरान अंधाधुंध करीब 20 से 25 राउंड फायरिंग हो गई। 6 लोगों को गोली लगी है। रणविजय सिंह और राणा प्रताप सिंह की छाती और पेट में गोली लगते ही मौत हो गई। इन दोनों की मौत की पुष्टि पुलिस कर चुकी है। इसके अलावा रुद्रनाथ सिंह, अमरेंद्र कुमार सिंह, मनोज कुमार सिंह, वीरेंद्र कुमार सिंह को भी गोली लगी है। बताया गया है कि इनमें से 3 को DMCH यानी कि दरभंगा मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में भर्ती किया गया है और 1 को सदर अस्पताल में। मधुबनी अब रेफर कर दिया गया है। दरभंगा गए 3 घायलों में 1 की मौत दरभंगा के एक निजी अस्पताल में होने की सूचना है, लेकिन पुलिस ने अभी तक 2 लोगों के मौत की ही पुष्टि की है। बताया जा रहा है कि गांव में तालाब की मछली मारने को लेकर 2 पक्षों के बीच पुराना विवाद चला आ रहा है। इसी विवाद में सोमवार को यह घटना घटी है। घटना को लेकर गाँव में तनाव कायम है। SP डॉक्टर सत्यप्रकाश खुद घटनास्थल का मुआयना करने पहुंचे। उनके अलावे MLC घनश्याम ठाकुर, SDM अशोक कुमार मंडल, DSP अरुण कुमार सिंह, पुलिस निरीक्षक राजेश कुमार, प्रशिक्षु DSP, सथाना अध्यक्ष राकेश कुमार रंजन, BDO मनोज कुमार सहित अन्य पदाधिकारी भी दल बल के साथ घटनास्थल पर सूचना मिलते ही पहुंचे। तनाव को देखते हुए गांव में मजिस्ट्रेट के साथ पुलिस बल की तैनाती की गई है। मामले में पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। घटनास्थल का मुआयना करने के बाद SP डॉक्टर सत्यप्रकाश ने बताया कि हत्याकांड में शामिल सभी अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए DSP के नेतृत्व में 4 थानाध्यक्ष की टीम गठित की गई है। आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी शुरू कर दी गई है। सभी आरोपितों को जल्द ही गिरफ्तार किया जाएगा और पुलिस मामले का पर्दाफाश करेगी। तो होली के दिन मधुबनी के बेनीपट्टी में बड़ी घटना हो गई। 2 लोगों की मौत की पुष्टि कर रही है पुलिस, लेकिन स्थानीय लोगों द्वारा कहा जा रहा है कि 3रे व्यक्ति की भी मौत हो गई है, जिसकी हालत बेहद गंभीर बताई जा रही थी। तो मछली मारने को लेकर विवाद शुरू हुआ था एक तालाब को लेकर, और ये विवाद इतना बढ़ गया कि गोलीबारी शुरू हो गई और 3 लोगों की जान भी चली गई। देखने वाली बात यह होगी कि अपराधियों की गिरफ्तारी आखिरकार पुलिस कब तक कर पाती है। लाइव सिटीज के साथ आप बने रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लेटेस्ट अपडेट्स के लिए फेसबुक पेज को लाइक करें, साथ ही साथ आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।